डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम हेरिडिटी, जो कि सेल डिवीजन चैप्टर का एक टॉपिक है, उसको स्टडी करेंगे। हेरिडिटी की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन यानी कि जो हमारी खसूसियात होती हैं उनका ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वालदैन से बच्चों में क्या कहलाता है, हेरिडिटी। लाइक हमारे स्किन का कलर, हमारे बाल, हमारी आंखों का कलर, या हमारा हाइट वगैरह, ये वाली हमारी जो करेक्टर्स हैं इनका ट्रांसफ़र पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटी कहलाता है। और ऐसे करेक्टर, दोज करेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड आर कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टर्स। यानी जो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, जैसे मैंने आपको हाइट, कलर, आइज वगैरह की एग्जाम्पल दी है, उनको हम हेरिडिटी करेक्टर बोलते हैं। और यही रीज़न होता है कि बेबीज़ जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं हेरिडिटी करेक्टर्स की वजह से या हेरिडिटी मटीरियल की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डिफरेंस अमंग मेंबर ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशी आर कॉल्ड वेरिएशंस। एक ही स्पीशी या एक ही फैमिली के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशन कहते हैं चेंजेस को, डिफरेंस को, ठीक है। जैसे कि आप और आप तमाम बहन भाई जो हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं। इसी तरह जो तमाम इंसान भी एक दूसरे से ज़रा डिफरेंट हैं। तो ये जो स्पीशीज़ जो हैं या फैमिली के अंदर जो कुछ डिफरेंस होते हैं मेंबर्स के दरमियान में, खसूसियात में, करेक्टरिस्टिक्स में, इनको हम वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। और ये वेरिएशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम सब एक जैसे हों, तो अगर जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो थे सर्वाइव कर जाते थे कोरोना वायरस को, और कुछ लोग जो हैं वो मर भी जाते हैं कोरोना वायरस से। तो अगर ये हम में वेरिएशंस ना होती तो क्या होता कि अगर एक मरता तो सब के सब, जितनों को कोरोना वायरस होता उनमें से कोई भी ज़िंदा ना रह पाता, सब के सब मर जाते, ठीक है। वेरिएशंस थी लोगों में, इसलिए कुछ को हुआ, कुछ को नहीं हुआ, कुछ बच गए, कुछ मर गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरिएशंस की वजह से थी। सबका इम्यून सिस्टम जो था वो डिफरेंट था, किसी का फास्ट स्ट्रॉन्ग था, किसी का वीक था। तो वेरिएशन ये सब कंट्रोल करते हैं, ये होते हैं डिफरेंस अमंग मेंबर ऑफ अ फैमिली और स्पीशी। एक स्पीशी के, जैसे ह्यूमन तमाम एक स्पीशी में आ जाते हैं, या एक ही फैमिली में जो वालदैन बच्चों में जो है वो डिफरेंस होते हैं, उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड फॉर सर्वाइवल। उसके अलावा वेरिएशन जो हैं, जैसे अभी मैंने कोरोना की भी एग्जांपल दी कि डिफरेंट पीपल गेट कोरोना बट दे सर्वाइव एंड सम ऑफ देम मे डाई। सो वेरिएशन जो हैं वो हेल्प करती हैं अडाप्ट करने में, एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने में, ठीक है। तो यानी डिफरेंट अडाप्टेशन जो हैं वेरिएशंस के थ्रू आती हैं। जैसे एक ब्लैक कलर है, अफ्रीकन जो हैं उन पे वहाँ पे हीट जो है सन की हीट डायरेक्ट पड़ती है, तो उनकी स्किन जो है वो ब्लैक डार्क कलर की है, ठीक है। तो ये जो है अडाप्टेशन होती है कि वो स्किन जो का कलर जो है वो उनको काफ़ी बचाता है, उनकी हेल्प करता है। इसी तरह जो है उनको सर्वाइव करने में भी मदद देता है। इसकी हम अभी एग्जांपल भी देखते हैं कुछ। लाइक यहाँ पे देखें तो ये जो जिराफ हैं इनमें से जो छोटे नेक वाले हैं वो नीचे नीचे से पत्ते खाते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि नीचे से पत्ते दरख्तों के ख़त्म हो गए और दरख्तों के ऊपर ऊपर पत्ते रह गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो छोटे जिराफ थे या छोटी नेक वाले जिराफ थे वो वाले ख़त्म होते गए, मरते गए, और आहिस्ता आहिस्ता जिनकी नेक लंबी थी उन्हीं की रिप्रोडक्शन हुई, उनसे जो आगे बच्चे होते थे वो भी लंबी नेक वाले होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड जिराफ सारे लंबी नेक वाले बच गए।
इसी तरह अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउस जो हैं वो दो कलर के हैं, एक जो हैं वो येलो से हैं, लेट्स से इन्हें वाइट कर लेते हैं, वाइट कलर के हैं, और एक डार्क कलर के हैं। लेकिन वो इन्वायरमेंट देखें, इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे डार्क कलर है, तो डार्क कलर वाले उस इन्वायरमेंट में नज़र नहीं आएंगे उड़ते हुए चीलों वगैरह को, और वो बच जाएंगे, जबकि जो कलर्ड हैं वो वाले इजीली नज़र आ जाएंगे और वो उनको खाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो अडाप्टेशन की वजह बनती हैं इन्वायरमेंट में, और जिसकी वजह से सर्वाइवल मुमकिन होता है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है बटरफ्लाई का लार्वा है, एक कलर ये है जो ट्री बार्क पे रहता है, इसका कलर देखें ट्री बार्क की तरह जो है वो ब्राउन सा है, ठीक है। इसको लोकेट करना इजी नहीं है, जबकि यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ही डिफरेंट कलर का है। तो ये वाला जो है इसको बर्ड जो हैं वो इजीली लोकेट कर सकती हैं इनको, ठीक है, तो उनको इजीली नज़र आएंगी, और बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लार्वाज खा लेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कलर्ड जो तितलियां हैं ब्राउन कलर के अलावा दूसरे कलर वाली वो कम से कम पैदा होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनकी नस्ल ख़त्म ही हो जाएगी और ब्राउन तितलियां ज़्यादा। तो ये कलर जो था ये एक वेरिएशन से आया, और फिर देखें ये अडाप्टेशन बना और इसने सर्वाइवल में मदद करना शुरू कर दी। तो हेरिडिटी करेक्टर या वेरिएशन जो हैं वो वेरिएशन हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल होती हैं, हमें सर्वाइव करने में मदद देती हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, उसी की ही आगे जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ये वाली तितलियाँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी कम होती जाएंगी, ठीक है। ब्राउन वाली देखें बार्क पे इतनी सही से नज़र नहीं आ रही है, ईजीली नज़र आ रही है, तो ये ईजीली जो है वो प्रीडेटर का प्रे बन जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्वायरमेंट में ये ब्राउन कलर की तितलियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये थी हेरिडिटी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है। बेसिस ऑफ हेरिडिटी में हम स्टडी करेंगे द बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, ठीक है। जो जैसे एक लाइफ है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो है वो न्यूरॉन होता है, अभी आपने किडनी का चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो किडनी में नेफ्रॉन होता है। तो इसी तरह जो हेरिडिटी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है उसे हम जीन बोलते हैं, ठीक है। जीन क्या है? जीन बेसिकली एक कोड है, वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि बनाती है एक खास किस्म की प्रोटीन, ठीक है। जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन। तो जीन क्या है? एक कोड है प्रोटीन का, जस्ट एक कोड है प्रोटीन का। एक और इंफॉर्मेशन ये है कि जीन प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। जीन जो है वो पेयर की शक्ल में मौजूद होती है, वन फ्रॉम मेल वन फ्रॉम फीमेल, जो पेरेंट्स से आती है, एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से। तो जैसे जीन अगर हम हाइट की देखें तो उसमें दो तरह के अलील होंगे, एक देखें टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है। इसमें ये भी हो सकता है कि टी जो कैपिटल है वो टाल के लिए हो, हाइट टाल, और टी स्मॉल जो है वो ड्वार्फ के लिए हो। तो टाल जो है वो मे बी मेल से आई हो और टी स्मॉल जो है वो फीमेल से आई हो। तो ये एक जीन है जो हाइट की है और उसके अंदर दो पेयर हैं, हमेशा एक जीन के अंदर दो पेयर होते हैं, इन्हें हम अलील भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि जीन जो हैं वो एक छोटा यूनिट है, जैसे सेल छोटा यूनिट है, सेल के मिलने से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। इसी तरह जीन्स के मिलने से क्या बनता है? मैनी जीन्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म आर DNA, ठीक है। बहुत सारी जीन जो हैं वो कंबाइन की जाती हैं और उनसे क्या बनता है? DNA। इन अदर वर्ड DNA कंटेन अ लॉट ऑफ जीन्स, ठीक है। DNA जो है वो स्टैंड फॉर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका जो है फुल फॉर्म है DNA की। DNA इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटीरियल। अब यहाँ ये वाली चीज़ जो है MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि DNA हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है और जीन जो है वो क्या है? फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो DNA जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से
उनकी ऑफस्प्रिंग में। अब हम डीएनए की ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये एक डीएनए है, इस पे जस्ट दो जीन उन्होंने दिखाई हैं, ये डीएनए है। जीन जब इकट्ठी करते हैं, ठीक है, मैनी जीन्स आर कम्बाइंड टू फॉर्म डीएनए, तो ये वाली जीन है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर छोटे छोटे यूनिट हैं जीन्स के, जिनके मिलने से डीएनए बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो डीएनए एंड प्रोटीन फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच फाउंड इन न्यूक्लियस एंड कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है वो वाइंड हुआ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है वो इंटरवाइंड होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा बनाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह तस्बीह के दाने हों, और न्यूक्लियस में ये पाया जाता है और इसको कहते हैं क्रोमोसोम। अब आप इसको देखें कि जीन के मिलने से डीएनए बना, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। एक और इन क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि दे अपेयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त ये कंडेंस होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ज़रा इकट्ठे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वैसे ये डिस्पर्स होते हैं तो वो नज़र नहीं आते, तो दे अपेयर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब हम इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये एक डीएनए है, ठीक है, और ये जो दरमियान में ये नज़र आ रहे हैं आपको लाइट ब्लू से, ये प्रोटीन्स हैं। तो डीएनए जब प्रोटीन के ऊपर वाइंड हुआ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक क्रोमोसोम बन गया, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब हम जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ ज़रा देखेंगे। तो अगर हम डिटेल से देखें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स, ठीक है। अभी मैं इसकी तस्वीर भी डिस्प्ले करता हूँ ताकि हम सही से समझ सकें। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है। ये देखें इसकी टू आर्म्स हैं, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, ठीक है। तो डीएनए जो है, सॉरी, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड। इन आर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, ये आर्म्स क्रोमेटिड हैं, ठीक है, विच अटैच टू सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये एक सेम पार्ट यानी मेन जो दरमियान में इनके सेंटर में है, ये जहाँ से दोनों लिंक हो रहे हैं आपस में, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो क्रोमेटिड जो हैं वो दो आर्म्स हैं और वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से सेंट्रोमेयर से, ठीक है। और इस पूरे को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये टीलोमर जो है ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो इसको भी इग्नोर कर दें। तो ये है जो बेसिस ऑफ हेरिडिटी के जीन, सबसे पहले स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट, उसके मिलने से क्या बनता है। जीन होता क्या है, प्रोटीन का कोड होता है, और जीन के मिलने से डीएनए बनता है, डीएनए और प्रोटीन्स के मिलने से क्रोमोसोम बनता है, और उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है कि ये क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर पे मुश्तमिल होता है। अब हम लास्ट पे कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर देख लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अगर हम मैन में देखें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मंकी के 48 होते हैं, हमसे दो ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं उनमें। कैट में 30 होते हैं, मेज, अब ये नीचे प्लांट्स के हैं, मेज जो है उसमें 20, अनियन 16, और इसी तरह जो पी है मटर उसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकते हैं, तो इस लिहाज से आप इनको याद रखिएगा। आई होप सो कि आपको बेसिस ऑफ हेरिडिटी समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।